सुबह की शुरुआत ऐसी हो कि सुस्ती भाग जाए और हम बहुत एनर्जेटिक फील करें, तो मैं अपने हाथों को देखती हूँ और भगवान को याद करती हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, और धरती माता को प्रणाम करके मैं डायरेक्ट किचन में आती हूँ। सबसे पहले मैं पीने का पानी गर्म करती हूँ क्योंकि उसको ठंडा होने में काफ़ी समय लगता है। तो मैं उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करके यहाँ पे सब्जी में काट रही हूँ, तब तक मेरा ये पानी गर्म हो चुका है। दूसरी ओर मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह ही मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए जाते हैं तो उनके लिए टिफ़िन रेडी करना पड़ता है। तो सबसे पहले घर की जिम्मेदारी को मैं पूरा करती हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ क्योंकि मुझे भी अपने लिए पर्सनल टाइम चाहिए होता है योगा करने के लिए, और मुझे भी अपने स्किल पे काम करना रहता है। तो यहाँ पे इनके लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ। आम का अचार है, आलू गोभी की सब्जी है और रोटी है। ये इनका सिंपल सा आज का टिफ़िन है। मेरा जो मेन काम है हस्बैंड को समय पे ऑफिस के लिए भेजना, वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं ना, तो मुझे लगता है मेरा आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। तो कपड़े मेरा धुल गए हैं, यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं। अभी तक जो आप ब्लॉग देख रहे थे वो सुबह 7:30-8 बजे तक का था, और जैसे मैं नहा के निकली वैसे ही लाइट गया कट। तो जब लाइट कट जाता है तो पूरे घर में अंधेरा हो जाता है क्योंकि घर में धूप नहीं आता है। ये बेडरूम है और अभी यहाँ पे आपको लाइट इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये जो बेडरूम है ना, बेडरूम का ये जो बालकोनी है, इसका जो छज्जा है, ये जो आप देख रहे हैं ना छज्जा, ये फाइबर तो 2 हफ्ते पहले ही डलवाए हैं, वो आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो इससे धूप ना छनके अभी आ रहा है, तो बेडरूम में लाइट है। पहले यही जो छज्जा था ये टीने का था, तो टीने का था तो धूप छनता नहीं था, तो बेडरूम पूरा अंधेरा अंधेरा लगता था। तो इसलिए सब लोग अभी बेडरूम में ही है क्योंकि बेडरूम में रोशनी बात बाकी पूरा घर में अंधेरा है, तो ये लोग ऐसे ही बेडरूम में मस्ती करें और क्या कर सकते हैं। और बच्चों के लिए मैं लंच बना नहीं पाई, आधे घंटे के बाद ही क्लास है। आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट बाकी है, 20 मिनट के बाद क्लास है। लाइट आया तो कुछ हल्का फुल्का मैं बना सकती हूँ, और नहीं तो फिर मैं मैंगो शेक की तैयारी कर रही हूँ कि अगर जाते जाते भी अगर लाइट आ जाता है। ये देखिए किचन में इमरजेंसी लाइट लगाई है ताकि आप लोगों को ब्लॉग में दिखा सकूं। तो यहाँ पे ना जार में चीनी और दूध में रखी हूँ, आप ये देखिए मैंगो में कट करके रखी हूँ ताकि जैसे ही लाइट आए मैं मैंगो शेक बनाऊं, बच्चे पी लें ताकि उनका पेट थोड़ा सा भर जाए। रोटी और आलू गोभी की सब्जी बन के रखी हुई है, वो मैं इनको खिला दी हूँ। ज़्यादा नहीं खाए लोग, एक रोटी आधी खाए, आधा लाडू खाई है। तो अभी मैं जाऊंगी ना, तो लगभग 3 घंटे के बाद आऊंगी। तो 3 घंटे बच्चे मैंगो शेक पी के तो रह नहीं सकते, वो भी तब बनेगा जब लाइट आएगा। तो लंच के लिए मैं क्या करूंगी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो करके ही जाऊंगी। इतने बजे मुझे क्लास में पहुंच जाना चाहिए, उतने बजे मैं घर से निकल रही हूँ, यानी कि लगभग 20-25 मिनट मैं लेट से निकल रही हूँ। फिर बहुत वेट की लाइट का आने का कि लाइट आ जाए, फिर मैंगो शेक मैं बना दूँ, क्योंकि इन दोनों को पीने का काफ़ी इच्छा था। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो कुछ ठंडा लोगों को दे नहीं पाई, सॉरी लाडू उसके लिए। मैं जब आऊंगी तब तक लाइट आ जाएगा, तो फिर मैं मैंगो शेक बना के तुमको दे दूंगी। ठीक है? ठीक है, और हम दोनों साथ में हाँ। और आदि रोटी सब्जी रखा हुआ है घर में, ठीक है। अभी मैं ना इन लोगों को मैगी बना के खिला दी क्योंकि सुबह नाश्ता तो किया था लेकिन सेम चीज तो नहीं खा सकता, और लंच में बनाई नहीं हूँ क्योंकि अभी लंच का टाइम नहीं हुआ है। अभी बज रहा है सुबह के लगभग 11:30 बज रहे हैं, तो इतनी जल्दी क्या लंच में बनाऊंगी, तो आ करके फिर मैं लंच बनाऊंगी। तो मोबाइल में बच्चों को देख करके जा रही हूँ, और बगल में एक है भाभी, वो आ जाएंगे दोनों बच्चों का ख्याल रखने के लिए। तो 3 घंटे के लिए मुझे जाना था, आधा घंटा लेट से जा रही हूँ, डेट मीन्स कि मैं 2.5 घंटे के लिए जा रही हूँ। अरे लाइट आ गया, ओ माय गॉड, लगता है 10 मिनट और लेट होगा। अल्लाह बच्चे खुश हो गए, अब तो मैं इन लोगों को मैंगो शेक पिला के ही जाऊंगी चाहे क्लास कितना भी लेट हो जाए, बच्चों को बहुत मन है। आदि है ना आते के साथ जार सूंघ रहा है। ये देखिए जार में मैं दूध आम और चीनी सब मिक्स करके मैं रखी थी, आदि फ्रीजर से निकालो तो वो जो मैं डाली हूँ। ऐसा लग रहा था ना क्या पता जाते जाते लाइट आ जाए, मैं तब से वेट करी, मैं क्लास लेट करी पर लाइट नहीं आ रहा है। मेरे लिए ना बच्चों को खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सबको चीनी चाहिए, रुको ना एक काम करो, ये टोप में जितना चीनी है ना तो मैं चम्मच निकाल निकाल के खाते, उधर उधर जाके बैठ के खाओ, जाओ
ये जब लड़की जब भी चीनी देखती है उसको चीनी चाहिए होता है। मुझे बहुत डर लगता है जब मैं बाहर क्लास के लिए जाती हूँ। वैसे तो मैं रेगुलेटर ऑफ़ करके जाती हूँ, लेकिन आदि बोला कि मम्मी लाइट आएगा तो मैं खुद से मैंगो शेक बना लूँगा। तो मिक्सी का जायका का ढक्कन अच्छे से बंद नहीं कर पाया टाइट, तो मुझे डर था कि कहीं मैंगो शेक एकदम छीट ना जाए, पूरा किचन गंदा ना हो जाए और उसको चोट ना लगे। तो मैं उसको मना की थी कि मत ऐसा करना, लेकिन बच्चे के मन में कब क्या बात आ जाए कह नहीं सकते। तो दोनों गिलास में मैं मैंगो शेक भर के निकाली हूँ, लेकिन लाडो के गिलास में थोड़ा सा कम था। देखिए दोनों पूरा भरा नहीं, लाडो करे नहीं, मुझे आधी से ज्यादा चाहिए, मेरा थोड़ा कम है। चलते हैं, 40 मिनट लेट हो गए, 40 मिनट चलती हूँ, बाय बाय मिलती हूँ क्लास से आने के बाद। तब तक ये दोनों बच्चे मम्मी और पापा के बिना रहेंगे, ठीक है? हाँ। मैं क्या रख पाओगे? बाहर से आई, बेडरूम किचन हॉल रूम पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। जो सामान जहाँ पे बच्चों ने निकाला वहीं छोड़ दिया, अपना सही जगह सामान रखे नहीं। तो ये ट्रेनिंग तो बच्चों को देनी होगी। मैं हमेशा समझाती हूँ जहाँ से सामान निकालते वहाँ रख दिया करूँ, पर तो बच्चे समझते नहीं है। लेकिन अब मैं बाहर जाती हूँ, जैसे ही बाहर से आती हूँ तो मुझे इन कामों में काफ़ी टाइम देना पड़ता है, और अभी बहुत लेट हो चुका है, लगभग 2:30 बज चुके हैं। बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैं यहाँ पे पूड़ी और लाल चाय बना रही हूँ, और सब्जी सुबह का आलू गोभी का है ही। हाँ, हालांकि जो मैं मैंगो शेक बना करके गई थी, जितना भी बचा हुआ फ्रिज में रख के गई थी, उनको भूख लगी तो खुद से निकाल करके वो पी लिए थे। और मैं उनके लिए जो खाना रोटी सब्जी छोड़ी थी, वो बोले मम्मी मुझे रोटी नहीं खानी है, क्योंकि नाश्ते में रोटी लोग खा चुका था। मैं बोले ठीक है, मैं काम करती हूँ, चाय पूड़ी तुम लोग खिला देती हूँ, क्योंकि लोगों को चाय पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत शौक से खाते हैं, और यही एकमात्र खाना है जो अपने हाथ से बहुत जल्दी वो लोग खा लेते हैं। क्या कर रही, फुसका फुसका कर दे रही हो, फूल ही नहीं रहा है उसको। पहले से हो गया है। ये देखो तुम्हारा कप में पी दिए, ठीक है? ये देखिए रात के 11:15 बज रहे हैं, और 11:15 बजे रात का सीन देखिए। हस्बैंड तो जब से ऑफिस आए जस्ट खाना तुरंत खाए और काम पे लग गए, और ये मेरे दोनों बच्चे कब से मैं इनको बोल रही हूँ सो जाओ सो जाओ। और आदि कह रहा है कि जब लाडो सोएगी तब वो सोएगा। ये लोग एक दूसरे पे डाल दिया है, मतलब लाडो ये कह रही ना कि आप घर आते हैं ना तो पहले ऑफिस का काम कीजिए फिर खाना खाइए, आप खाना खा के काम पे क्यों बैठे हैं? हाँ पापा को तुम भूखे मार दो। चाय आपके लिए। चाय थैंक यू। पहले चाय पी लीजिएगा, चाय ठंडा करके मत पीजिएगा। हम प्लेट इसीलिए लाए ना कि आप यहाँ पे कप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू। और कितने बजे तक काम करेंगे पता ही नहीं है, बताते भी नहीं, कह रहे हैं हम पूछ रहे हैं कि रात का 2 बजेगा या सुबह का 4 बजेगा, तो कहते कुछ नहीं पता। सीरियसली बताइए ना कितना बज जाएगा? एक दो घंटे करेंगे, 11:45 तो बजने वाले हैं, 1-2 घंटे यानी रात के 2 बजाएंगे अच्छे से। ठीक है, चाय पी लीजिए ना, चाय ठंडा हो जाए उसके बाद पी। ठंडा होने तो गर्म है ना, मुंह जल जाएगा। अरे नहीं है, मुंह जलने वाला नहीं है, सच्ची में कह रहे हैं। दोनों बच्चे उस रूम में सो रहे हैं। कई बार ये रात जग करके ऑफिस का काम करते, लेकिन मैं कभी भी इनसे पहले नहीं सोई। जितने देर ये जगते जाए, रात को 2 बजे 3 बजे, मैं तब तक जगी रहती हूँ। और ये काम करेंगे तो मैं बात करूंगी नहीं, तो क्या करूंगी, गाना सुनूंगी। एलेक्सा ले आती और यहाँ एलेक्सा लगा के गाना सुनती, और आप अपना ध्यान रखना, काम पे लगाइए। yes. अभी दोनों बच्चे ना थोड़ी देर पहले बहुत लड़ाई कर रहे थे, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ये पूरा काम पे लगे हुए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, मैं भी अपना ख्याल रख रही हूँ। बाय बाय।